बुद्ध कहते हैं, अशुद्ध मन से बोलो या काम करो और परेशानी तुम्हारा पीछा करेगी। जैसे पहिया बैलगाड़ी खींचने वाले बैल का पीछा करता है। जब भी बुद्ध अशुद्ध मन का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम गलत समझ सकते हैं। अशुद्ध मन से उनका मतलब है मन, क्योंकि सभी मन अशुद्ध होते हैं। मन अपने आप में अशुद्ध होता है और मन का ना होना ही शुद्ध होता है। शुद्धता का मतलब है मन का ना होना, अशुद्धता का मतलब है मन का होना। अशुद्ध मन से बोलो या काम करो, मन के साथ बोलो या काम करो और परेशानी तुम्हारा पीछा करेगी। दुख मन की एक उपज है, भ्रामक मन की परछाई है। दुख एक बुरा सपना है। तुम सिर्फ इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम सो रहे हो, और जब तक तुम सो रहे हो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक तुम जागृत नहीं हो जाते बुरा सपना बना रहेगा। ये रूप बदल सकता है, इसके लाखों रूप हो सकते हैं, लेकिन ये बना रहेगा। दुख मन की परछाई है। मन का मतलब है नींद, मन का मतलब है अचेतना, मन का मतलब है बेहोशी, मन का मतलब है ये ना जानना कि तुम कौन हो और फिर भी ये दावा करना कि तुम जानते हो। मन का मतलब है ये ना जानना कि तुम कहां जा रहे हो, फिर भी ये दावा करना कि तुम लक्ष्य को जानते हो, कि तुम जानते हो जीवन का मकसद क्या है। जीवन के बारे में कुछ भी ना जानना और फिर भी ये मानना कि तुम जानते हो। अतः बुद्ध का वचन कहता है, ये मन उतनी ही निश्चितता से दुख लाएगा जितनी निश्चितता से पहिया उस बैल का पीछा करता है जो गाड़ी को खींचता है। बुद्ध का संदेश है मन के पार जाने का और उस अमनी अवस्था को उपलब्ध हो जाना जहां सच्ची शांति और आनंद है। प्रणाम।